टॉपिक है एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो इसमें लिखा है फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, जिसमें पहला है सिक्योरिटी में है कि इट प्रोवाइड्स लिमिटेड इंटरेक्शन दैट यूजर कैन हैव विद द एंटायर सिस्टम। फॉर एग्जांपल, ए बैंक अलाउज द यूजर टू एक्सेस अकाउंट ऑन अकाउंट थ्रू एन एटीएम विदाउट अलाउइंग देम टू एक्सेस द बैंक्स एंटायर डेटाबेस। तो एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं हम। इसमें पहला पॉइंट है हमारा सिक्योरिटी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपके इंटरनेट में, नेटवर्किंग में, उसमें एडवांटेज मिलता है सिक्योरिटी का, जिसका एग्जांपल है आपके बैंक का। क्या होता है जिसमें, क्या होता है कि वो आपके अपने अकाउंट से, आपका जो भी बैंक में अकाउंट है उसके अकाउंट से आपको पैसे ट्रांजेक्शन करने का सहूलियत प्रदान करता है बिना बैंक के पूरे डेटाबेस को एक्सेस किए बगैर। यानी कि आप किसी बैंक में जाते हैं, वहां से पैसा निकालते हैं और ठीक उसी पैसा को आप एक एटीएम से निकाल सकते हैं, और आप पूरे बैंक के डेटाबेस को एक्सेस नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ अपने उस पार्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस करेंगे जिसके कि आप कार्ड होल्डर हैं और आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर है, ये एक सिक्योरिटी देता है कि आप पूरे बैंक को एक्सेस किए बगैर, आप पूरे बैंक के डेटाबेस अकाउंट के डेटाबेस को एक्सेस किए बगैर सिर्फ अपने अकाउंट को एक्सेस करेंगे और उससे अपना ट्रांजेक्शन करेंगे और वहां पे आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये नेटवर्किंग का एक एडवांटेज है, एक सिक्योरिटी देता है कि ये पूरे डेटाबेस को ना दिखा के सिर्फ आपके रिक्वायर्ड डेटा को ही आपको देता है और आप उसको यूज करते हो और आपका वर्क वहां पे एंड हो जाता है। दूसरा एडवांटेज है फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें लिखा है मल्टीपल कंप्यूटर्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर देन अ सिंगल मशीन वर्किंग अलोन। कहने का मतलब है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग है, जो आपके नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है डिस्ट्रीब्यूटेड, इसकी दूसरी जो खासियत है ये फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो भी आपका प्रॉब्लम है वो एज कंपेयर टू ए सिंगल कंप्यूटर फास्ट होगा। क्योंकि जैसे सपोज करिए कि किसी काम को एक आदमी कर रहे हैं और उसी काम को पांच आदमी मिल के करें तो एज कंपेयर टू एक आदमी काफी तेज होगा। ठीक उसी तरह अगर आप किसी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर को कोई काम देते हैं और उसी को नेटवर्क से जोड़ के अगर पांच काम हैं तो वो करते हैं तो वो एज कंपेयर टू सिंगल कंप्यूटर तेज होगा। तो दूसरी एडवांटेज हमको मिलती है फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यानी कि हमारा प्रॉब्लम बहुत ही फास्ट सॉल्व होता है एट कंपेयर टू ए सिंगल कंप्यूटर। तीसरी एडवांटेज है सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी, यानी कि डुप्लीकेसी से हमको सिक्योरिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। इसमें लिखा है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स रनिंग द सेम प्रोग्राम एट द सेम टाइम कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ फोर कंप्यूटर रन द सेम कंप्यूटर एंड एनी कंप्यूटर हैज अ हार्डवेयर एरर देन अदर कंप्यूटर कैन ओवरराइड इट। इसमें जो तीसरी हमको एडवांटेज मिलती है वो ये है कि रिडंडेंसी से हमको सुरक्षा मिलता है, रिडंडेंसी से हम बच जाते हैं, यानी कोई भी डुप्लीकेसी से हम बच जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं चार कंप्यूटर मिल के करते हैं और किसी एक कंप्यूटर में कोई हार्डवेयर एरर है, कोई प्रिंटर का एरर है या सपोज करिए किसी इनपुट डिवाइस का एरर है, तो अगर किसी एक कंप्यूटर में एरर जनरेट होता है तो बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं उसको ओवरराइड कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये एक सिक्योरिटी मिलती है हमको कि अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो रहा है अगर हमारे कंप्यूटर के थ्रू, अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ के काम कर रहा है, तो अगर किसी डिवाइस में हार्डवेयर फेलर्स भी होते हैं, कहीं हार्डवेयर फेल भी होता है, तो दूसरे कंप्यूटर उसको ओवरराइड कर देंगे क्योंकि उनके पास वो मौजूद है और फेलर किसी दूसरे नोड पे हुआ है, किसी दूसरे चैनल पे हुआ है, तो उससे उन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये एक हमको तीसरी एडवांटेज मिलती है सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का एडवांटेज, जिसमें हमने तीन पॉइंट्स जाना, सिक्योरिटी, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी।